हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एमएस एक्सेल की है और एमएस एक्सेल में आज हम खास क्या सीखेंगे, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है। अब यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, एक्सेल में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जिससे आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में बदल सके। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको टेक्स्ट में बदलना है सेम, ठीक है। मतलब कि 567 अगर लिखा हुआ है तो 567 को 567 लिखना हो तो आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक डेवलपर टैब आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको डेवलपर टैब पे जाना है। कैसे एक्टिवेट करते हैं मैंने पहले ही बताया है, कहीं पर भी मेन्यू बार पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर जाकर के उसमें आपको डेवलपर टैब मिल जाता है, वहां से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आपको विजुअल बेसिक पे जाना है और यहाँ पर आ जाएंगे सीधा। उसके बाद से इंसर्ट पे जाइए, फिर मॉड्यूल पे जाइए तो मॉड्यूल को इंसर्ट करवा लीजिए। यहाँ पर एक कोड है जो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ये कोड कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, ये देखिए NOTE नोटपैड, तो ये नोटपैड आ गया। और यहाँ पर नंबर टू टेक्स्ट, ये जो विजुअल बेसिक का कोड है ये पूरा ही मैंने लिख रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये कोड है और ये काफी लंबा कोड है। यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, फंक्शन गेट यूनिट डिजिट, ये फंक्शन है हमारा। इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद कहाँ चलेंगे, यहाँ पर जो मैक्रो विजुअल बेसिक का विंडो हमने खोल रखा है इस पे आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया, अब इसको सेव करने की बारी है तो यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए इसको आप एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में आप सेव करेंगे, तो ये सेव किया। यहाँ पर इसे एक नाम दे देता हूँ, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, SURAJ सूरज। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर जा करके, और इसको सेव करता हूँ, ये हमने सेव कर लिया इसको, ठीक है। और अब हम कहाँ चलते हैं, एक्सेल वाले विंडो पे चलते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन हमने बनाया था FN, यही तो बनाया था, तो ये FN कन्वर्ट के नाम से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को FN कन्वर्ट फॉर्मूले को हमें लगा लेना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको बंद करना है। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख पाएंगे कि ये जो हमने लिया था, ये लिखा हुआ था, इसको ये रुपए में कन्वर्ट करके दे दे रहा है। देखिए ना, ये रुपए में कन्वर्ट कर दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं ड्रैग करवा लेता हूँ नीचे, तो जो भी रुपया पैसा लिखा हुआ है आपका सब यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लाइक 6000 लिखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर किया मैंने 6000, यहाँ पे 8000 करता हूँ, यहाँ पे मैं 400 करता हूँ। तो अब मैं जैसे ही यहाँ से इसको ड्रैग करवाते हुए नीचे आऊंगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये सबको जो है वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी जितना भी रुपया आप लिखेंगे उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, तब देखिए क्या होता है, होता है कि नहीं। इसको मैं करेंसी फॉर्मेट में लेके आता हूँ, तो करेंसी फॉर्मेट कहाँ से बनाएंगे, यहीं से तो बना लेंगे। ये देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे करेंसी पे क्लिक कर दीजिए तो भी देखिए ये सेम वे में रह रहा है, ठीक है। तो ये कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लिंक क्या है पूरा कोड ही मैं पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उठा लीजिएगा इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।